और बीइंग अ मेंबर पंजाब असेंबली, आप मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी बाय हाउसिंग की, और आप मेंबर हैं दानिश स्कूल के बोर्ड की, आप मेंबर हैं पीएचए की, आप मेंबर बोर्ड हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन की, तो आप क्या समझती हैं कि ये पिछले 2-2.5 सालों में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत चली आई, इसके अंदर उन्होंने स्पेशली तालीम के मैदान में और ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, आप क्या समझती हैं कि ये इदारे किस अंदाज से काम कर रहे हैं, और क्या अवाम को ये इदारे शऊर दे पा रहे हैं कि वो मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा करें? काफ़ी हद तक जी, इसकी मिसाल मैं बिल्कुल ऐसे ही दूंगी। मैं पिछले दिनों आपके सोशल मीडिया पे एक चीज़ छोटी सी आती रहती हैं चीज़ें, तो टिकटॉक की तो नहीं, लेकिन वैसे एक किसी ने एक छोटी सी वीडियो वायरल की थी कि इंटरव्यू करते करते कोई एंकर थे तो वो अंदरून शहर चले गए, और वहाँ पर उन्होंने एक आम सा होटल था, ढाबा जिसको कहते हैं, वहाँ के बंदे को जाके पूछा, और उस बंदे को बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है या यहाँ कोई एंकर आएंगे, कोई चैनल आएगा, और बड़ा मशहूर चैनल के वो एंकर थे। उन्होंने जाकर कहा कि जी पाकिस्तान को आप कैसा देखते हैं, और मैं उनकी बात को सेकंड करूँगी और इसमें आपके सारे जवाब सिमट आएंगे। उन्होंने कहा कि जी मैं, उन्होंने जब इतना कहा ना कि जी आप पाकिस्तान को कैसा देख रहे हैं और किस तरह का देखना चाहते हैं, उन्होंने कहा देखना तो मैं बड़ा अच्छा चाहता हूँ, बाकी आपका ये इस बात का जवाब कि पाकिस्तान कैसा था और कैसा है, उन्होंने कहा कि आप एक बंदे को उन्होंने आवाज़ दी, अपने बैरा टाइप बंदे को, उन्होंने कहा एक प्लेट लाओ, पंजाबी उन्होंने कहा प्लेट ले आ, वो प्लेट आई, उन्होंने उसको धड़म से ज़मीन पे फेंका, वो किरची किरची हो गई, और उन्होंने कहा ए पाकिस्तान इमरान खान नू मिलिया है, उन्होंने जोड़न इस टाइम तक लगेगा। तो यही आपके सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान जिस तरह दिया गया, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बच्चा बच्चा समझता है कि पाकिस्तान किस हालत में मिला और अदारे हमें किस हाल में मिले। इन अदारों को हम नए सिरे से उठा रहे हैं, 3-4 अदारों की, जो मैं भी बोर्ड मेंबर हूँ, जब हम बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा खराबियां हैं, और आई एम सॉरी टू से, ब्यूरोक्रेसी नाराज़ ना हो, ब्यूरोक्रेसी हमें काम नहीं करने दे रही। अदारे ठीक होते भी टाइम लगेगा, और मैं समझती हूँ कि 2-2.5 साल में जो काम हम लोग कर रहे हैं खान साहब के विजन को लेके, खान साहब जिस तरह काम कर रहे हैं उनकी आंखों में हम गवाह हैं, मैं गवाह हूँ कि एक छोटी सी मीटिंग थी, खान साहब की आंखों में आंसू हमने देखे, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान के लिए लोगों की गालियां खाता हूं, टैक्सों के पैसे, महंगाई थोड़ी सी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, मैं बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करता हूं, तो एक चीज़ की किस्त आ जाती है, मुख्तलिफ जो भी इन लोगों ने खराबियाँ की हैं, ऑरेंज ट्रेन की किस्त कभी आ गई, कभी मेट्रो की आ गई, यानी जमा करके पैसे लंदन में फ्लैट इन लोगों के बन गए, किस्तें हम लोग भर रहे हैं, लोगों से हम गालियाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऊपर है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाशऊर पाकिस्तान ज़रूर बनेगा, और लोगों में शऊर आएगा, और बहुत शऊर आ चुका है, अल्लाह का शुक्र है कि ये जैसे आपका यूट्यूब चैनल है या इस तरह के और चैनल्स ने ये बेड़ा उठाया, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे कि आप लोग आवाम को बताने में जरूर कामयाब होंगे कि मुश्किल वक्त है थोड़ा, इंशाल्लाह ये घड़ी भी गुजर जाएगी। नहीं, हम तो बिल्कुल इस कोशिश में हैं कि ये इस नए पाकिस्तान के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट जो है बाशऊर पाकिस्तान, उस मैसेज को प्रमोट करें।